सिविल फर्स्ट ईयर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 इंजीनियरिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन टेक्निक सिविल 113, इसका जो हमारा टॉपिक चल रहा था आयनिक और गैर आयनिक धातुओं का, उसमें आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर स्टील सेक्शन, ये कौन से होते हैं और इनकी क्या कौन कौन सी किस्में हैं। जब स्टील को के टुकड़े को हम ज़्यादा हीट देते हैं इस हद तक के रोलिंग मिल से गुजारते हैं और उसके किसी एक शेप को शेप देते हैं उसको, तो उसके लिए जो बनता है स्ट्रक्चर बनता है उसको स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन कहलाता है। इस हद तक इनको गर्म किया जाता है कि जब इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो जाए उसको छोड़ते हैं। और इनकी कितनी टाइप्स हैं उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहली किस्म आई सेक्शन, एग्जाम टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शन टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। इसमें पहली किस्म आई सेक्शन, आई सेक्शन जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसकी शक्ल आई की तरह होती है और इसको ये गार्डर में, जिस तरह गार्डर होता है ये गार्डर में इसको इस्तेमाल किया जाता है और अमूदी और उफकी हालत में इस्तेमाल होती है। अमूदी हालत में, अमूदी और उफकी हालत में इस्तेमाल होता है और शक्ल इसकी आई जैसी और उसमें कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, गार्डर। उसके बाद अगली किस्म में चैनल्स, चैनल सेक्शन। ये मुस्ततीली नहर, मुस्ततीली शक्ल जो होती है मुस्ततीली नहर की शक्ल में इसको बनाया जाता है और एक गार्डर के साथ इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल गार्डर के साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर इसमें किस्म जो आएगी इसमें आएगी टी सेक्शन, टी सेक्शन, टी सेक्शन टी आयरन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। टी आयरन हम इस्तेमाल करते हैं गटर के साथ, टी आयरन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। उफकी हालत में होती है ये, उफकी हालत में, और टी आयरन के तौर पर इस्तेमाल। इसके बाद एंगल सेक्शन होगा, अगली किस्म इसकी एंगल सेक्शन, नंबर 4 एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन में ये दो बाजुओं पर मुश्किल होगा, दो बाजुओं पर मुश्किल होगा। ये एक जैसे भी हो सकते हैं और छोटे बड़े भी हो सकते हैं, दो बाजू छोटे दो बड़े या एक जैसे भी हो सकते हैं। अगली किस्म इसमें फौलादी सरिये, फौलादी सरिये यानी कि स्टील बार्स, सरिया, सरिया का इस्तेमाल करते हैं आरसीसी के कामों में। पिछले चैप्टर में हमने आपको पढ़ा, हमने पढ़ा पीसीसी और आरसीसी ऐसी सीमेंट कंक्रीट जिसमें रीइंफोर्समेंट, ऐसी सीमेंट कंक्रीट जिसमें सरिया का इस्तेमाल किया जाए, तो ये आरसीसी के कामों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं आरसीसी। उसके बाद फुलादी सरिये के बाद फुलादी पाइप, पाइप्स, फुलादी पाइप छोटे अमूदी कालमों के लिए इस्तेमाल होते हैं, छोटे अमूदी कालमों के लिए जो खोखले होते हैं, खोखले
पाइप्स होते हैं जो खोखले होते हैं और छोटे मोती कालमों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्टील फ्लैट, अगली किस्म इसमें स्टील फ्लैट नंबर 7। ये स्टील फ्लैट जो होगी ये फुलादी पट्टी होती है और चौड़ाई और मोटाई इसकी जरूरत के मुताबिक होती है। फुलादी पट्टी जिसकी चौड़ाई और मोटाई जरूरत के मुताबिक रखी जाती है, चौड़ाई और मोटाई जरूरत के मुताबिक रखी जाती है। उसके बाद आखिरी इसकी किस्म स्टील प्लेट्स, प्लेटें, स्टील की प्लेटें। इसकी जो चौड़ाई होगी इस पट्टी की चौड़ाई स्टील फ्लैट से ज्यादा, स्टील फ्लैट से ज्यादा, जबकि मोटाई जरूरत के मुताबिक रखी जाती है। इसकी मोटाई जरूरत के मुताबिक रखी जाती है। ये स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन की टाइप्स थी जिसको आज हमने पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।